दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूरत है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जियो न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के रूप में। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डाले आप तक पहुंची रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के रूप में। तो दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर है, दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों डिवाइन इन चीफ के बाद अब टाइम मैगजीन ने मोदी को बताया भारत को एक सूत्र में पिरोने वाला पीएम। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की शानदार जीत के बाद टाइम मैगजीन ने यू टर्न लिया है। प्रचार के दौरान मशहूर अमेरिकी मैगजीन टाइम ने अपने कवर पेज पर प्रधानमंत्री मोदी को डिवाइन इन चीफ यानी तोड़ने वाला मुखिया बताया है, लेकिन प्रचंड बहुमत आने के बाद टाइम मैगजीन का नजरिया बदल गया। अब 28 मई को टाइम की वेबसाइट पर छपे आर्टिकल के दौरान मोदी को देश को जोड़ने वाला पीएम बताया है। टाइम मैगजीन ने हेडलाइंस के साथ वेबसाइट पर अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें से रिपोर्ट में लिखा गया है कि मोदी हैज यूनाइटेड इंडिया लाइक नो प्राइम मिनिस्टर इंडिकेट्स, यानी मोदी ने भारत को एकजुट किया है जिसका दशकों से किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ सत्ता में वापस आने में कामयाब रहे हैं बल्कि उन्होंने अपने समर्थकों को भी बढ़ाया है। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी विभाजित रेखाओं और जातिगत मतभेदों को बांटने में भी सफल रहे हैं। दोस्तों यदि आप मोदी से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार मोदी जरूर लिखें। हां दोस्तों अगली बड़ी खबर है, मई के अंत तक यूट्यूब गेमिंग ऐप को रिटायर करेगा गूगल। जी हां दोस्तों, गूगल कुछ ही दिनों में मई के अंत तक यूट्यूब गेमिंग ऐप को रिटायर कर देगा। पिछले महीने ही कंपनी ने घोषणा की थी कि इसका विलय YouTube प्लेटफॉर्म ऐप के साथ होगा। कंपनी ने अपने पृष्ठ में लिखा है कि हम गेमिंग समुदाय के लिए एक मजबूत घर बनाना जरूरी चाहते हैं जो YouTube गेमिंग ऐप पर ही नहीं बल्कि पूरे YouTube ऐप पर पनप रहा है। मई 2019 के बाद हम YouTube गेमिंग ऐप को रिटायर करेंगे और YouTube पर अपने गेमिंग प्रयासों को केंद्रित करेंगे। टेक दिग्गज ने इस कदम की सितंबर 2018 में घोषणा की गई थी, लेकिन मार्च में यह बंद नहीं हो सका। YouTube गेमिंग विजिटर जो सालों में सामग्री को सहेज या देख सकते हैं वे अब भाग्यशाली नहीं रह जाएंगे, क्योंकि वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म का कहना है कि YouTube गेमिंग पर अपने पहले से ही सहेजे गए गेम को स्थानांतरित करना संभव नहीं है। कंपनी ने सुझाव दिया है कि ग्राहक अपने YouTube गेमिंग और सामान्य YouTube सदस्यता को क्लब कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी खबर है, लाखों कारोबारियों के लिए खुशखबरी, फ्री में मिलेगा GST सॉफ्टवेयर। जी हाँ दोस्तों, GST में रजिस्टर छोटे और मंझले कारोबारियों के लिए खास सुविधा शुरू की गई है। आपको बता दें कि GST ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए सालाना तक के कारोबारियों वाले और सूक्ष्म लघु मंझले उद्योगों के लिए मुफ्त में लेखा जोखा और बिल बनाने के सॉफ्टवेयर की पेशकश की है। GST ने एक बयान में कहा है कि यह सॉफ्टवेयर कंपनी को बिल और उनके लेखा खातों पर ब्यौरा तैयार करने, भंडार के माल का प्रावधान और GST रिटर्न तैयार करने में मदद मिलेगा। बयान के मुताबिक GST ने एक वित्त वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए से कम कारोबार करने वाले MIME के सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने के लिए और बिल और काउंटलिंग सॉफ्टवेयर विक्रेताओं के साथ गठजोड़ किया है। इसके लिए इन टैक्स पेयर्स को शुल्क नहीं देना होगा। GST के मुख्य अधिकारी प्रकाश कुमार ने कहा है कि इस पहल में MIEM डिजिटल प्रणाली की ओर से आगे बढ़ेंगे। इसमें कार्य क्षमता बढ़ेगी और अनुपालन बोझ कम करने के लिए मदद मिलेगी। यह सॉफ्टवेयर पोर्टल www.gst.gov.in पर देख करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस बयान के मुताबिक करीबन 80 लाख MIME ऐसे हैं जिसका कारोबार करीबन 1.5 करोड़ रुपए से कम है, वे लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। आपको बता दें कि इन सॉफ्टवेयर GST के कंपनियों के बीच होने वाले कारोबार के लिए ई बिल निकालने के लिए कारोबारी सीमा और उनके सृजन के तौर तरीकों और जैसे पहलुओं पर गौर करने के लिए उन्हें उप समूह पर गठन किया गया है। इस उप समूह के ई वायस के लिए व्यापार प्रक्रिया नीति या कानून पहलुओं को परीक्षण किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर इसके क्रियान्वयन को लेकर के तकनीकी पहलुओं के बारे में भी सिफारिश देगा। जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी खबर है, जीत से गदगद बीजेपी का मिशन 2021 शुरू, यहां रखा 100 सीटों का लक्ष्य। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा समेत उत्तर पूर्वी राज्यों में शानदार प्रदर्शन किया है। असम में NRC जैसे मुद्दों के बावजूद अपनी सीटों पहले से मुकाबले बढ़ाने पर हौसले बुलंद हो चुके हैं। अपने इस बंपर जीत से गदगद बीजेपी ने अपना मिशन 2024 शुरू कर दिया है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठबंधन के तमाम असम विधानसभा चुनाव 2021 को लेकर के मिशन 100 शुरू किया है। इसके तहत पार्टी ने अपने गठबंधन के साथ 100 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए अपना लक्ष्य 333 सीटों पर रखा है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2019 में अकेले भाजपा ने 303 सीटें जीत करके और 2014 में यह रिकॉर्ड तोड़ा है। 2014 में बीजेपी को 282 सीटें मिली थी। यह लक्ष्य असम प्रदेश भाजपा के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के रखा गया है। पिछली बार भाजपा ने 66 सीटें जीती थी, जबकि अपने मित्र दलों और अपग और BPSC के साथ भाजपा गठबंधन ने 84 सीटों पर कब्जा जमाया था। लेकिन अब मिशन 100 के तहत एजेंडा NEDA
अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत विश्व रखमा ने भाजपा नीत गठबंधन 100 सीटों पर जीत दिलाने का लक्ष्य रखा है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, नवीन पटनायक पांचवीं बार लेंगे उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद की शपथ। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और उनके 20 मंत्री जिसमें से करीबन आधे पहली बार मंत्री बनने जा रहे हैं, वे सभी भुवनेश्वर के एक सार्वजनिक समारोह के दौरान शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह से पहले उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल शाम को पटनायक की सिफारिश पर 11 कैबिनेट मंत्री और 9 राज्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। आपको बता दें कि नवीन पटनायक पांचवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। उसमें से पहले मात्र 2 मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के ज्योतिष बसु और सिक्किम के पवन चामलिंगम 5 बार मंत्री बन चुके हैं। आपको बता दें कि सार्वजनिक विश्लेषकों की तरफ से एंटी कंवेंजेंसी फैक्टर और बीजेपी की तेजी से उभारने के हम असेंबली को भविष्यवाणी के बावजूद पटनायक की बीजेपी में शानदार प्रदर्शन हुई है। 112 सीटों पर दर्ज की गई है, जो 2014 में विधानसभा चुनाव में सिर्फ 5 सीटें ही कम थी। ये 11 कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। उनमें से झारसुंडा के विधायक नबा किशोर दावा और तिललालगढ़ के विधायक टुंटू साहू को छोड़कर के सारे पुराने चेहरे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बहुत बड़ी खबर आ रही है सऊदी अरब से। सऊदी में हौथी के ठिकानों पर किया गया हवाई हमला। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन विमानों में साना की राजधानी यमन में हौथी के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। यह स्थानीय मीडिया की यह जानकारी दी है। साना के राष्ट्रपति अब्दुल रहमान मसूदी हदी के नेतृत्व वाले सुरक्षा बल और हौथी विद्रोहियों के बीच लंबे से आपसी संघर्ष चल रहा था। सऊदी हादी के आग्रह के चलते 2015 में हौथी विद्रोहियों के ठिकाने पर हवाई हमले किए गए हैं। उल्लेखनीय यह है कि साना में हौथी और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष की वजह से देश में लाखों लोग स्वास्थ्य सुविधाएं और खाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, अमेरिका ने भारत को मुद्रा की निगरानी समिति से बाहर निकाला। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने भारत को मुद्रा की निगरानी समिति से बाहर कर दिया है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय के प्रमुख व्यापार भागीदारों की विदेशी मुद्रा विनिमय नीतियों तथा बृहद आर्थिक कारकों पर कांग्रेस को भेजी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। अमेरिका ने इस फैसले के पीछे भारत द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों का जिक्र किया है। उसे कहा गया है कि इस कदमों की मौद्रिक नीति को लेकर के उसकी आकांक्षा दूर हुई है। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया दूसरा देश है जिसे अमेरिका ने इस सूची से बाहर किया है। अमेरिका ने इस सूची में अब चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इटली, आयरलैंड, सिंगापुर, मलेशिया और वियतनाम शामिल हो गए। मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट में भारत को निगरानी सूची से बाहर कर दिया गया है। भारत को लगातार 2 रिपोर्ट के सिर्फ एक कारक अमेरिका के साथ द्विपक्षीय प्रतिकूल पाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि न तो भारत और न ही स्विट्जरलैंड अक्टूबर 2018 की रिपोर्ट के साथ ही इस रिपोर्ट में भी एक तरफा दखल देने का जिम्मा पाया गया है। इस कारण भारत और स्विट्जरलैंड दोनों को मुद्रा की निगरानी सूची से बाहर कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रधानमंत्री मोदी की बायोपिक की कमाई जानकर के आपका होश उड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की बायोपिक फिल्म की रिलीज 5 दिन हो गए हैं और फिल्म की कमाई अभी तक करीबन 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। अभी तक मिली जानकारी के हिसाब से फिल्म की कमाई अभी तक ज्यादा उछाल नहीं देखा गया है और इसी वजह से फिल्म की कमाई धीमी हो गई है। फिल्म के 5 दिनों में करीबन 12 करोड़ की कमाई की है। फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट के हिसाब से आने वाले दिनों में फिल्म की कमाई का ग्राफ और तेजी से बढ़ सकता है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, कोहली ने ली राहत की सांस, केएल राहुल के 4th नंबर पर शतक बनाने पर हुए खुश। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वार्म अप खेल में केएल राहुल के शानदार शतक लगाया। राहुल के 4th शानदार शतक परफॉर्मेंस के बातचीत करते हुए भारतीय कप्तान विराट कोहली ने राहत की सांस ली है। उन्होंने कहा है कि उनकी फॉर्म सबसे सकारात्मक थी। राहुल ने 99 गेंद में 12 चौके और 4 छक्के की मदद से 108 रन बनाए थे, जिसकी वजह से भारत ने बांग्लादेश को 95 रन से हरा दिया। बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता एम के एस प्रसाद के हालांकि 4th नंबर पर के विजय शंकर को दावेदारी बनाया था, लेकिन कोहली ने अब संकेत दिया है कि राहुल सोपिट इक्विटी के दौरान स्थिति में आ गए हैं। कोहली ने कहा है कि इस मैच में सबसे अच्छी बात यह है कि राहुल के 4th नंबर पर बल्लेबाजी की है, अब अपनी भूमिका की अच्छी तरीके से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप और सी जिनपिंग के साथ मुलाकात, ये होगा एजेंडा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का मुख्य एजेंडा अमेरिका और चीन के साथ रिश्तों को और मजबूत करना होगा। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर और अक्टूबर में अमेरिका और चीन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक कर सकते हैं। दोनों देशों के साथ बैठक का मुख्य एजेंडा सुरक्षा, व्यापार और अनसुलझे मुद्दे होंगे। इस मामले में जुड़े लोगों ने बताया है कि मोदी सितंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर सकते हैं। राजनयिक चैनल के माध्यम से बैठक की तारीख संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के समय के आसपास करने की कोशिश की जा रही है।
ट्रंप द्वारा मोदी की चुनावी जीत पर बधाई देने के दौरान ही 28 और 29 जून को जापानी शहर ओसाका में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में मिलने पर ही सहमति बनी हुई है। वहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ दूसरे औपचारिक शिखर सम्मेलन के लिए 11 अक्टूबर को भारत आने का उम्मीद है। बैठक में पिछले साल अक्टूबर में वुहान के पहले औपचारिक शिखर सम्मेलन में बने माहौल को आगे ले जाने की उम्मीद है।